तुम्हारे भाई को कितना मिला है? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हाय हाय, देखो मौसम कितना बेकार होके रखा है, पूरा एकदम काला काला बादल, और उस पर ही मैं जा रहा हूँ कॉलेज। बहुत दिनों बाद सारे दोस्त लोग एक्चुअली दिल्ली जाने वाले हैं, तो कहा कि चलना कॉलेज चलते हैं, कॉलेज का आखिरी मजा लेते हैं एंड मामा से मिलते हैं, चाय वाय पीते हैं। मैं सोचा चलो चलते हैं, मेमोरीज है कि नहीं, ज़रूरी है लाइफ में मेमोरीज, तो इसलिए कॉलेज जा रहा हूँ। वहीं पे दोस्त लोग हैं, लग रहा है बारिश आ जाएगा यार, देखो एक बूंद गिरा है, दिख रहा है। चलो अपना बुलबुल रेडी है, मैं सोच रहा हूँ रेनकोट पहन लूँ नहीं क्या, ना पहनूँ, मौसम देख के तो लग रहा है पहन लेना चाहिए, बस स्टिल चलिए बारिश आएगा तो रास्ते में रोक के पहन लेंगे, है कि नहीं, निकलते फटाफट। अब वैसे जाते जाते सोचा तेल डलवा लूँ, क्योंकि तेल है नहीं बुलबुल में अपना, तो आ गया हम लोग शाम के पेट्रोल पंप पे। फिर से अपना पार्किंग वही जहाँ पे लगाता था कॉलेज के टाइम पे, पार्किंग मिल चुका है, अब चलते कॉलेज। सारा दोस्त लोग वहीं पे इंतजार कर रहा है, मैं भी सबसे लेट तो मैं ही है, नहीं कोई बात नहीं, लेट जाने का एक अलग ही मज़ा है। तो फटाफट विवेक को कॉल करता है, बुलाता है, कहाँ है कि नहीं, चलो चलते देखते कहाँ है वो लोग। अच्छा लग रहा है कॉलेज जाने में इतना दिन बाद। हाय हाय हाय, इतना दिन बाद वही कॉलेज यार, मज़ा आ रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है। कहाँ है ये लोग, आया नहीं अभी तक, पहुँचा नहीं, चलो वेट करते हैं लोग का, इंतजार हम कर रहा था किसी और का, कोई और मिल गया, देख रहा है अपना भाई चमक रहा है, कहाँ से चमक चमक गया, ब्लॉगिंग करने आ गया। तो भाई अपना कॉलेज है, यहाँ ब्लॉग नहीं करेगा, आ रहा है विवेक लोग, आ रहे, रुकना एक मिनट, अब यहाँ ब्लॉग नहीं करेगा कहाँ करेगा, बता, मेरा ही कॉलेज है। जय श्री राम। देख रहे गाइस, ये लोग जाने वाला यहाँ शिलोंग छोड़ के फिर भी इंतजार कर रहा था, चल आ रहा है, अंदर ही आ रहा है, कितना इंतजार करवाएगा भाई, मतलब शिलोंग छोड़ने से पहले आदत छोड़ेगा नहीं तुम लोग, तो चलो यार अंदर चलते हो। देखो कौन मिला इधर, सिस्टम का पूछा तो सिस्टम मालूम ही नहीं क्या है, सिस्टम क्या बुला मारा हुआ मेरे, ये वो सिस्टम का मारा हुआ है, हम लोग कोई और सिस्टम चला रहा है इधर। अरे दो छपड़ी, एक छपड़ी दो छपड़ी, अरे अपना कपिल सिंह जो क्या करके रखा हुआ है, पहले कंटे को बोला चलेगा कि नहीं कॉलेज, चलिए क्या चाय जा, अब कहीं और का महिला हो गया। यस, देख रहे हम लोग छोड़ा तो मामा क्या दाढ़ी वाड़ी बना के रखी है, इतना याद आ रहा था, इतना याद आ रहा था मामा हम लोग का। वाओ गाइस, देखो इतना दिन बाद कॉलेज आके वही चाय, वही कॉलेज, लेकिन कॉलेज खा लिए, फील ही बदल गया यार पूरा, मजा ही नहीं आ रहा है, और इसके देख के तो अलग ही फील आ रहा है हमको। हाँ 250 का है, उसको डिस्काउंट बोलता है, वाह ये टी-शर्ट देख रहा है, चलो चलो निकलो निकलो, बाय 250 टाटा, मुझे चल टाटा। देख कॉलेज तो आ ही गया है, अभी ये सब छोड़, बता बिग बॉस में कौन लगता है, कौन जीतेगा, एल्विस जीतेगा ना फुकरा इंसान, टाई थोड़ी होता है पगले, एल्विस तुमको क्या लगता है रिकी कौन जीतेगा, सलमान खान जीतेगा, सलमान खान दोनों को देखता नहीं है इसलिए, कि दोनों का देखता। दोनों में से कोई भी आयु से पूछ के फायदा नहीं होता, टीवी देखता ही नहीं है तो इसे पूछ के फायदा ही नहीं है, कबीर सिंह देखता है सिर्फ, हाँ तेरा प्रीति सिक्का जीतेगा। अपना क्लास गाइस 46 पूरा खाली, हम लोग कॉलेज क्या छोड़ा, पूरा क्लास खाली पड़ा हुआ है, व्हाट इज दिस, ऐसे कैसे चलेगा। और ये आलोक प्रियंका का दिल, हाँ तुम वहाँ लिखा था ना इसके लिए ब्लॉगर, पेंट कर दिया मैं, नहीं बे कहाँ पेंट किया हुआ है, हो गया कॉलेज का मजा ले लिया, कुछ मजा ही नहीं आया, बोरिंग बोरिंग था। ऊपर से ये देखो छपड़ी को फोटो शूट, मॉडल नहीं मॉडल कैमरामैन अपना हेलमेट, और हम और इधर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा बैठ के, फोटो शूट देख, फोटो शूट दिख रहा है, और कुछ कर नहीं सकता, हाँ मॉडल हो गया तो बस। ये बिग बॉस वाला लगता है जिंदगी में पहली बार कॉलेज आया, दिख रहा है जीजस का बेइज्जती कर रहा है, छी बे मॉडल, मेरे लिए तो आयुष मॉडल है। कॉल से निकल गया, जल्दी जल्दी घर जाना है, भैया को स्कूटी देना है, ये सब चक्कर में निकलना पड़ा, चलो घर चलते हैं, एंड कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो वो भी दिखाएंगे, चलिए फटाफट देखो अपना बुलबुल को ऐसे फंसा हुआ है।
यार मैं कॉलेज से आया था, बोला था ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो दिखाऊंगा। घर आते ही न्यूज मिला कि रिजल्ट आउट हो गया मेरा 6th semester का। एंड देखो तुम्हारे भाई को कितना मिला है। फोकस हो जा भाई, छोड़ो मैं दिखाता हूँ, बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, यार मजा ही आ जाएगा रिजल्ट देख के। हाय हाय हाय, व्लॉग करते करते इतना परसेंट आ गया तो क्या ही बोले, दिल गार्डन गार्डन हो गया यार। ये देखो कितना मिला है, 74%। देखो वैसे मैं पढ़ने में ठीक ठाक ही हूँ, टैलेंटेड भी हूँ, पर कभी घमंड नहीं किया, देख रहा है मजा आ गया यार। अब कमेंट में एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन लिख ही दो फिर, मजा आ जाए मेरे को और दिल गार्डन गार्डन हो जाए। एंड कोई भी पार्टी वार्टी मत मांगना, अभी मेरा गरीबी चल रहा है, थोड़ा यूट्यूब पे व्यूज आने दो, इनकम होने दो, फिर पार्टी दूंगा सबको बराबर से, ठीक है ना। तो चलो आज अब मैं खुशी से सोऊंगा आज का रिजल्ट के बाद, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले बेहतरीन ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय।